स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक इंटरेस्टिंग गेम है जहाँ पे मैं कुछ सवाल वीरूपा जी आपसे पूछूंगा अबाउट शाहिद भाई, और शाहिद भाई से फिर सवाल पूछेंगे वीरूपा जी के बारे में। शाहिद भाई, वीरूपा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए यार। ओके वीरूपा जी, दिस सवाल, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। किस उम्र में शाहिद भाई ने ओडीआई डेब्यू की? ऑफिशियली मुझे लगता है 16 साल की उम्र में। वो ऑफिशियली बताते हैं ना, पेपर पे तो ऑफिशियली आती है। आई थिंक 16 इट इज। Okay, मेरा बेटा बड़ा कहता है कि उसको 16 साल की उम्र में इंडियन टीम के लिए खेलना है, बट मुझे लगता नहीं उसके आसार फिलहाल। वो यहाँ पर है और दे रोज आइसक्रीम और पूरा जंकी फूड खाता रहे, तो उसको बहुत समझाया मैंने नहीं खेलने देता। तो आज शायद शाहिद से मिलवा के उसको बताऊंगा, ये अंकल थे जो 16 साल की उम्र में खेले। अच्छा सर, शोएब सर से नहीं मिलाएंगे तो बड़ा सा मटर। चलिए अगला सवाल, शाहिद भाई आप जवाब दें। वीरूपा जी, ओडीआई डेब्यू किस किस मुल्क के खिलाफ? वीरू का जी पाकिस्तान। यस इट इज। ओके शाहिद भाई का जर्सी नंबर? शाहिद भाई कुछ क्लू देने? आई थिंक मुझे लगता है कि 10 नंबर। यस बस अब 10 एंड सचिन सर का भी वही है। शाहिद भाई ये बताएं, वीरेंद्र सहवाग गेट ये दुनिया के कौन से स्टेडियम में देखने को मिलेगा? दिल्ली। दिल्ली फिरोजशाह कोटला। लवली और कहां मिलेगा, खेली दिल्ली से होना। बिल्कुल बिल्कुल। ओके लास्ट सवाल, शाहिद भाई के नाम की एक पिक्चर आई थी, इनकी इनके नाम की एक पिक्चर आई थी, मूवी आई थी, एक पाकिस्तानी फिल्म आई थी, इनके नाम की पिक्चर आई थी, यही हो सकता है। मैं हूं शाहिद अफरीदी। और दूसरी में नहीं हो सकता। ओके लास्ट वन फ्रॉम माय साइड, शाहिद बाजी, वीरू बाजी वाज अ पार्ट ऑफ काउंटी क्रिकेट टीम फॉर अ शॉर्ट स्पैन, उस क्लब का नाम बता सकते हैं? ओ तेरी खैर, दिस इज डिफिकल्ट। इसलिए कि काउंटी सीजन में जितना भी खेला हूं ज्यादातर यॉर्कशायर वाले इंडियन प्लेयर्स लेते हैं, या लंकाशायर होगा या यॉर्कशायर होगा। मैं सबसे ज्यादा गुजराती रहते हैं। खुद भी खेला हूँ जैसे लखनऊ में, ये शायर वो शायर, अचानक कोई भी इंसान वहां गा उठेगा शायर तो नहीं। ओके वीरूपा जी, टू स्टार्ट, 99 में आपने डेब्यू की, शाहिद भाई आपने 96 में, तो बिफोर एंटरिंग इंटरनेशनल क्रिकेट आपने शाहिद भाई के बारे में सुना, आपने देखा, आपने आप बहुत बहुत नाम सुना था शाहिद अफरीदी का, क्योंकि जैसे इंडिया में इंडिया में सचिन तेंदुलकर खेले थे इतने यंग, वैसे ही पाकिस्तान में ये बड़े यंग खेले थे पाकिस्तान के लिए। तो बड़े मेरे 1999 में मेरा डेब्यू हुआ था, तो उससे पहले ये तो 3 साल सीनियर हो गए थे मुझसे, हालांकि उम्र में मुझसे छोटे थे, लेकिन सीनियर हो गए थे, इतनी जल्दी खेल गए थे पाकिस्तान के लिए। तो नाम ऐसा ही शायद कोई होगा इंडिया पाकिस्तान में जो रहता होगा उस टाइम में, जिसने शाहिद अफरीदी का नाम ना सुना हो। और शाहिद भाई आपको वीरू पाजी के बारे में कब पता चला, एंड हाउ डिड, व्हाट वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन? वीरू की जब मैंने फर्स्ट टाइम, खैर पहले मैच में हमारे पाकिस्तान के खिलाफ ही डेब्यू किया था, उसमें मेरे ख्याल जल्दी आउट हो गया था वीरू, लेकिन वीरू की ओवरऑल जब मैं बैटिंग देखता था, मुझे एग्रेसिव प्लेयर शुरू से ही बहुत पसंद थे। जब मैंने क्रिकेट शुरू की थी तो मैं सईद अनवर की बैटिंग खास तौर पर शौक से बैठ के देखता था, तो मुझे एक वीरू के अंदर वो चीज़ नहीं नजर आई कि यार ये पूरी इंडियन बैटिंग लाइनअप भी इस बंदे ने चेंज कर दी, इसने अपनी गेम से, इसलिए कि इंडिया में ऐसा प्लेयर मैंने नहीं देखा था कि ओपनर इतनी अटैकिंग, इतनी अग्रेसिव क्रिकेट खेलने वाले मैंने नहीं देखे इंडिया के में। तो एक ऐसा प्लेयर आया जिसकी वजह से मैं कहता था कि यार इंडियन बैटिंग लाइनअप, ऊपर से अगर ये बंदा चल गया तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मैच इंडिया हारेगी। टोटली क्लियर फ्रॉम शाहिद। शाहिद भाई ये तो समझो, यू नो आपस की दोनों की बात होगी, आप अपनी टीम की बात करें तो कुछ कुछ अंदर लॉकर रूम की सीक्रेट बताएं, कुछ डगआउट की बताएं, कौन से प्लेयर ज्यादा मजाकिए हैं या किस प्लेयर ने का क्या रोल यू नो रहता है, अंदर की कुछ बात बताएं। अंदर की बात खैर बताने वाली तो नहीं है इसलिए वो अंदर है। तो जहाँ तक आपने बात की है, मेरा शोएब मलिक काफ़ी शरारती बच्चा रहा है और तेज़ है काफ़ी। मोहम्मद यूसुफ बहुत ज़्यादा, अगर उससे आप गपशप लगाएं तो बड़ा आपको मतलब नोट कर लो भाई सब।
मुझे लगता है पाकिस्तान के सारे खिलाड़ी आप उनसे बात करते थे जब हम सब सबको मजाक करना इतना पसंद था क्योंकि वो एक आपका प्रेशर हल्का कर देते ना जब आप एक ग्रुप में बैठते हो मजाक करते हो एक दूसरे की टांग खींचते हो एक दूसरे के ऊपर मजाक करते हो कुछ ऐसे भी थे जिन पर मजाक वो करना जानते थे लेकिन सहना नहीं जानते सहने नहीं ऐसे ही बहुत लोग थे तो वो बड़ा मजा आता था जब हम एक्चुअली ऑन ग्राउंड बैटिंग बॉलिंग तो आई मीन वीरूपा जी आपकी और गौतम गंभीर साहब की खूब जोड़ी रही है लेकिन शाहिद भाई आपका कुछ मतलब बैटिंग बॉलिंग के साथ साथ कुछ वर्बल बॉलिंग बैटिंग भी चलता था गौतम सर के साथ ऐसा कुछ सीन है गौतम एज अ क्रिकेटर मुझे बहुत पसंद है बहुत अच्छी क्रिकेट बहुत अच्छा सहवाग के साथ उसका बड़ा ज़बरदस्त कम्बिनेशन बना हुआ था और ग्राउंड के अंदर हल्का पुल्का मेरे ख्याल में चलता है हो जाता है लेकिन ऑफ द फील्ड कैसा बंदा रिएक्ट करता है वो उसका कैरेक्टर बताता है सुपर्ब वीरूपा जी यू नो ऑन फील्ड बैटल्स होते हैं काफी सारे होता है इंडिया पाकिस्तान मैचेस जब होते हैं सो इट्स लाइक यू नो फॉर द ऑडियंस एज ऑफ द सीट थ्रिलर बट आपके मन में क्या हो रहा है एट दैट मोमेंट डू यू हैव दैट प्रेशर इन यू प्रेशर ऑब्वियसली हम लोग कहें कि ना होता है तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इंडिया पाकिस्तान सबसे बड़ी राइवलरी है कि आप इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया देखें तो उससे कहीं ज़्यादा बड़ी राइवलरी इंडिया पाकिस्तान है अब हालांकि मैच कम हो गए नहीं होते हैं तो इसलिए जब भी इंडिया पाकिस्तान मैच होता है आप देखिए कि आईसीसी जब भी टिकट ओपन करता है विद इन सेकेंड्स या विद इन मिनट्स सारे टिकट्स बिक जाते हैं तो इंडिया पाकिस्तान के मैच में टेंशन ज़रूर होती है प्रेशर ज़रूर होता है लेकिन मज़ा भी उतना ही आता खेलने में क्योंकि आप ये चाहते हो कि आप किसी और के अगेंस्ट रन बनाए ना बनाए लेकिन जब पाकिस्तान से खेलते हो तो आप रन ज़रूर बनाए ऐसे गेंदबाज होता है कि वो विकटें ज़रूर ले पाकिस्तान के खिलाफ खैर मेरी पहली सीरीज़ बहुत अच्छी रही थी पाकिस्तान के खिलाफ जब हम लोग पाकिस्तान गए थे लगभग 16-17 साल बाद 2004-2003 में तो हम लोग टेस्ट सीरीज जीते हम लोग वनडे सीरीज जीते तो बहुत बढ़िया रही थी ऑन फील्ड ऑफ फील्ड ऑन फील्ड काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी मतलब लड़ाइयाँ जैसे काफ़ी बहस होती थी हमारी काफ़ी स्लेजिंग होती थी लेकिन ऑफ फील्ड क्या होता था कि एक ही रूम में बैठकर खाना खा रहे होते थे कभी शोएब अख्तर हमारे लिए मटन लेके आता था कभी मोहम्मद यूसुफ कभी मिसबा उल हक एक बार क्या हुआ कि शोएब अख्तर एक बड़ी डेगची में वो लेके आया मटन हमारे लिए तो हम पूरी इंडियन टीम ने वो शायद डेगची में से इतना खाया होगा और इतना छोड़ दिया होगा तो मैंने पाकिस्तान टीम इंडिया आई थी पाकिस्तान टीम आई थी 2000 जब पहला ट्रिप था 2004 हाँ तो उसमें जब आए थे तो मैंने पूरी टीम को घर पे इनवाइट किया पूरी इंडियन टीम आई संगीता बिजलानी संगीता अजहर भाई वगैरह सारे आए हुए थे उससे पहले की बात है जी तो मैंने घर पे पठानी स्टाइल तिक्के दुम्बे शुम्बे ये सब बनाए जब मैंने टेबल पे सारा खाना रखा तो पता चला कि सारे वेजिटेरियन नहीं कौन खाए फिर मैंने जल्दी से दाल सब्जी हमारे टाइम में हम लोग बहुत नॉन वेजिटेरियन थे सिवाय एक वीवीएस लक्ष्मण और अनिल कुंबले के बाकी सब नॉन वेजिटेरियन तो मैं बता रहा था हमने इतना खाया उस इतने बड़े डेगचे में बाकी इतना रह गया तो शोएब अख्तर कहता है कि यार एक तुम क्या कर रहे हो पूरा डेगचा तो मिसबाह उल हक खत्म कर देता हमारी पूरी टीम से खत्म नहीं हुआ बहुत अच्छी है मिसबाह तो हम लोग हैरान थे सुनकर कि इतना बड़े डेगचे में अगर एक आदमी खा सकता है लेकिन वो इतना स्वादिष्ट था कि हमने वो दो तीन दिन तक खाया वो मटन सुपर तभी यो-यो फिटनेस टेस्ट था नहीं तो आप खा भी सकते उस टाइम में तो हमारा बीप टेस्ट होता था यो-यो तो अभी आया शायद हमारी टाइम पर बीप टेस्ट होता था बट हमें चिंता नहीं थी क्योंकि हमारे जो स्टार प्लेयर थे वो कोई पास ही नहीं करता था तो हम भी उनके सारे चल जाते धक्का लग जाता था हमारा भी This is really awesome. So fun conversation happening with Shahid bhai and Virupa ji. But Virupa ji, माफी चाहूँगा, but I'm not really मैं आपके उस जवाब से सहमत नहीं हूँ कि आप कहते हैं कि प्रेशर बहुत होता था. यार 94 है या 296 है या 300 बनाने या 100 बनाने. आप मतलब उस लास्ट उस डिलीवरी में सिक्स मार रहे हैं फोर मार रहे हैं ये किस किस्म का प्रेशर है बट पाजी जब 94 तक पहुंच गए तो प्रेशर तो आपने झेल लिया ना प्रेशर तो उस टाइम है जब आप जा रहे हो जीरो पे जब आप जीरो से 94 तक पहुंच गए उस टाइम तक तो आप प्रेशर को झेल चुके हो तब फिर आप प्रेशर रिलीज करते हो दूसरी टीम के ऊपर सुपर इनफैक्ट एक स्पेशल मेंशन जाता है आज ही का वो दिन है जब 22 साल पहले शाहिद भाई ने फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर शाहिद भाई आज ही वो दिन है So, 37 ball century. I mean, उसके बाद आपको शादी के रिश्ते आने शुरू हो गए शादी के रिश्ते तो मैं शादी कर चुका था मैं क्रिकेट से शादी कर चुका था ये क्या बात है क्या बात क्रिकेट से ऑब्वियसली जाहिर बात है जब इंसान शुरू करता है उसके कोई भी किसी भी फील्ड में उसकी तो उसको पैशनेट होना पड़ता है तो क्रिकेट से ही शादी की हुई थी शुरू से उसके बाद फिर मैंने कहा चलो अब सही शादी भी कर लो उसका भी वक्त आ गया था सर पर अंदर की बात मैंने सुना कि वो बल्ला वो बैट जिससे आपने वो सेंचुरी मारी वो किसी और ने आपको दिया था या किसी और से आपने लिया था सचिन का बैट था वो तो गुरु दक्षिणा को दी 101 रुपए का दोस्त लेकिन सचिन उस बैट से 0 पे भी आउट हो चुका है